गाइस, सो अभी लोग आना शुरू हो जाते हैं सुबह से। काफ़ी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होती हैं और मैं ज़्यादा लोगों को कैप्चर नहीं करूँगी और कुछ चीज़ों को नहीं दिखाऊँगी क्योंकि वो हमारी एयरपोर्ट पॉलिसी में नहीं है। तो होप्स आप इंजॉय करेंगे ये सब कुछ। गाइस, यू मस्ट बी थिंकिंग लाइक इट लुक्स लाइक एम्प्टी एयरपोर्ट। इट इज़ एम्प्टी ड्यू टू द कोविड सिचुएशन। इट वॉज एम्प्टी बट नाउ इट्स पिकिंग अप एंड ऑल द डेज सिंस मॉर्निंग टिल नून, टिल PM और midnight is quite busy here। सो अभी लोग आना शुरू हो रहे हैं क्योंकि हम उनसे पहले ही पहुंच जाते हैं ताकि अपना काम सेटअप कर सकें। और आप देखेंगे कि यहाँ फेस मास्क के हवाले से काफ़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। कोई भी जहाज़ पे नहीं बैठ सकता अगर उसने फेस मास्क नहीं पहना हुआ है। पूरी फ्लाइट में ही उसको पहनना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं और यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, काफ़ी रश रहता है, सारा दिन ही बहुत ज़्यादा रश रहता है। और ये जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं ये डिफरेंट लोगों ने, बहुत मायनास लोग हैं जो बनाते हैं और लोग यहाँ से ख़रीदते भी हैं। ट्रेन सिस्टम बहुत आला है, यहाँ एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट बाई आसानी सफ़र कर सकते हैं अगर आपको जहाज़ पे नहीं जाना। अमूमन लोगों की फ़्लाइट्स जब डिले हो जाती हैं तो वो ट्रेन पकड़ के किसी और मंजिले मकसूद की तरफ होके आते हैं और फिर वापस अपना जहाज़ आके ले लेते हैं, पकड़ते हैं फ़्लाइट को। और अमेजोन का फ्लीट है, इनका अपना अलग सिस्टम है। जिनके नाम पे ये थी उसका मॉन्यूमेंट बना हुआ है। ये देखिए, स्टारबक्स कॉफ़ी तब से ही बंद है जब से कोविड की सिचुएशन है। मैंने इसको एक साल से देखा है, किसी तरह ये बंद है। और लोग आते हैं यहाँ पर, अमूमन दूसरी डनकिन वगैरह की कॉफ़ी शॉप्स खुली हुई हैं, या जब वो यहाँ से सिक्योरिटी चेक के बाद जाते हैं तो वहाँ काफ़ी रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स हैं जहाँ से वो अपनी सुबह का नाश्ता वगैरह या जो भी खाना पीना होता है वहाँ से खा पी लेते हैं।
और आपको मैं कोशिश कर रही हूँ कि तमाम हिस्से दिखा सकूँ थोड़े थोड़े करके, लेकिन जो अभी बेशुमार हिस्से हैं जिनमें अराइवल्स है और बियॉन्ड द सिक्योरिटी लोग कैसे बैठते हैं, वो मैं कोशिश करूँगी कि किसी दिन जब भी मुझे टाइम लगा वो मैं कर सकूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो मैं उनको देखते हुए भी कुछ ख़ास महदूद औकात में ही ये सब चीज़ें बना सकती हूँ, क्योंकि यहाँ प्राइवेसी बहुत ज़्यादा अहम होती है और आई एम ट्राइंग माई लेवल्स बेस्ट टू कीप द प्राइवेसी एज़ पर आवर टॉप प्रायोरिटी, बिकॉज दिस इज़ अमेरिका।